क्रैनबेरी बहुत लोगों के पसंदीदा फलों में से एक है। क्रैनबेरी किडनी की बीमारी में आपके लिए फायदेमंद फल हो सकता है। अगर आप भी इसके फायदों से अनजान हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। आप हमारे चैनल पर किडनी रोग और इसके आयुर्वेदिक उपचार की सारी जानकारी आसानी से पा सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए आपके खान पान से जुड़ी जानकारी लेकर आते हैं। आपको बताते हैं कि किडनी की बीमारी में आपको किन फलों और सब्जियों का सेवन करना चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए। आज हम बात करेंगे क्रैनबेरीज की। क्रैनबेरी सबसे आकर्षक फलों में से एक है। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि किडनी की बीमारी में ये एक फायदेमंद फल है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये कहना गलत नहीं होगा कि क्रैनबेरीज किडनी की बीमारी में फायदेमंद फलों में से एक है। हम अपनी वीडियोस में किडनी के लिए फायदेमंद फलों के बारे में बात करते हैं तो हमेशा ही क्रैनबेरीज, रास्पबेरीज और स्ट्रॉबेरी का जिक्र करते हैं। इन फलों के गुण किडनी डिजीज पेशेंट्स को खासा फायदा पहुंचाते हैं। बात करें क्रैनबेरीज की तो सबसे पहला तो क्रैनबेरीज में स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज की ही एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो किडनी को क्लीन रखने में मदद करते हैं। किडनी जब ठीक से काम नहीं कर रही होती तो बहुत तरह के वेस्ट इसमें एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ऐसे में क्रैनबेरीज के एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड को साफ रखने में मदद करते हैं और शरीर से टॉक्सिन्स या वेस्ट को बाहर निकालते हैं। दूसरा है, क्रैनबेरीज में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में सहायक हैं, जिससे हार्ट में ब्लॉकेज होने का खतरा टल जाता है। क्रैनबेरीज आपके हार्ट को दुरुस्त रखकर आपके पूरे स्वास्थ्य को ठीक रखने में मदद करती है। किडनी की बीमारी में दिल की बीमारी होना भी आम होता है। किडनी और दिल की क्रिया से ब्लड हमारे शरीर में सर्कुलेट होता है। इन दोनों की क्रिया आपस में लिंक्ड होने की वजह से इनका काम एक दूसरे को इफेक्ट करता है। ऐसे में क्रैनबेरीज की ये एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हार्ट डिजीज पेशेंट्स के साथ साथ किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती हैं। इतना ही नहीं, क्रैनबेरीज में एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो किडनी के रोगी हो या ना हो सभी के लिए फायदेमंद है। अगला है, क्रैनबेरीज में विटामिन सी होता है जिससे सूजन में आराम मिलता है। किडनी की बीमारी में सूजन या आर्थराइटिस होना कॉमन है। ऐसे में क्रैनबेरीज के सेवन से आपको राहत मिल सकती है। इनके कुछ कारण की वजह से हम आपको क्रैनबेरी के सेवन की सलाह देते हैं। इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहता है और आपका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल्स भी कंट्रोल में रहते हैं। क्रैनबेरी के सेवन से यूरिन संबंधित किसी भी इंफेक्शन का रिस्क कम हो जाता है। इस तरह से ये किडनी रोगी के लिए बहुत ही फायदेमंद फल है। तो ये थे क्रैनबेरीज के सेवन के कुछ फायदे। आपको रोजाना 2 से 3 क्रैनबेरी बाकी के फलों के साथ खानी चाहिए। अब बात करते हैं आपको पूरे आहार शैली में किस तरह के बदलाव करने हैं। किडनी की बीमारी का सबसे प्रमुख कारण है हाई ब्लड प्रेशर। इसे योग की सहायता से संतुलित किया जा सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने पर नमक, इमली, अमचूर, लस्सी, चाय, कॉफी, तली भुनी चीजें, गरिष्ठ आहार, अत्यधिक परिश्रम, अधिक मात्रा में कसेले पदार्थ खाने, धूप में रहने और चिंता से बचें, काला या सेंधा नमक खाएं, इससे रक्त संचार में अवरोध दूर होता है। इसी तरह अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आप इसे संतुलित रखने के लिए योग की सहायता लें और अपने भोजन में जरूरी बदलाव लाएं। आप अपने लिए इस बीमारी में डॉक्टर की मदद से आहार शैली तैयार करें। इस आहार शैली को तैयार करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान दें। किडनी कमजोर होने पर ऐसे खाद्य पदार्थ ना खाएं जिनमें नमक और फास्फोरस की मात्रा कम हो। पोटेशियम की मात्रा भी नियंत्रित होनी चाहिए। तरल चीजें सीमित मात्रा में ही लें, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। उबली सब्जियां खाएं और मिर्च मसालों से परहेज करें। बाहर का खाना बिल्कुल कम कर दें। जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करें। मांसाहारी भोजन ना करें। आयुर्वेदिक औषधियों के उपचार से इस बीमारी और इससे शरीर पर पड़ने वाले सभी डिसऑर्डर्स को ठीक किया जा सकता है। आप रोजाना जीवन में गाजर, तुरई, टिंडे, ककड़ी, अनानास और सेब खाएं, लेकिन डायबिटीज है तो गन्ने का रस ना पिएं। इन चीजों से यूरिन खुलकर आता है। मौसमी, संतरा, किन्नू, कीवी ना खाएं। रात को तांबे के बर्तन में रखा पानी सुबह पिएं। सीरम क्रिएटिनिन और यूरिक एसिड को बढ़ने से रोकने के लिए प्रोटीन युक्त पदार्थ जैसे मांस, सूखे हुए मटर, हरे मटर, फ्रेंच बीन, बैंगन, मसूर, उड़द, चना, बेसन, अरबी, कुल्थी की दाल, राजमा, कांजी व शराब आदि से परहेज करें। नमक, टमाटर, काली मिर्च व नींबू का प्रयोग बिल्कुल ना करें। इस रोग में चेरी या अनानास खाना भी लाभकारी होता है। आयुर्वेदिक औषधियां जो पूरी तरह से प्राकृतिक जड़ी बूटियों से बनी हैं, इनमें क्षमता है कि खराब हो चुकी किडनी को भी फिर से दमदार बना सके। एलोपैथिक दवाइयों की तरह इनके सेवन से आपके शरीर पर कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। अगर आप या आपका कोई परिजन किडनी की समस्या से पीड़ित है तो कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें और पाएं किडनी की हर समस्या का हल। आइए सुने कर्मा आयुर्वेदा के उपचार से आने वाले बदलावों की कहानी खुद किडनी रोगी की जुबानी। एक और पेशेंट जुड़े हैं, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा कहाँ के रहने वाले? जम्मू से।
जम्मू डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर जम्मू में आगे डिस्ट्रिक्ट में है डिस्ट्रिक्ट सिटी जम्मू सिटी जम्मू जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी जब आए थे तो मुझे मेरे पाँव भी सूझते थे और करना तो मेरी बर्फ वाली थी 3 पॉइंट कुछ हो गया था 3 पॉइंट हो गया 3 पॉइंट अच्छा तो फिर मैंने रोजाना से भी कंटेक्ट किया डॉक्टर से जो है अंग्रेजी दवाई लेता था फिर मेरे बेटे ने यहाँ पर कंटेक्ट किया अच्छा आपके माध्यम से तो फिर मेरा दवाई आपकी शुरू की मैंने तो फिर मेरा नेट कम हो गया था 2 पॉइंट कुछ आ गया तो यूरिया 90 आ गया तो अभी 6-7 महीने से मेरी दवाई चल रही है पहले से काफ़ी फर्क है पहले से काफ़ी मुझे फर्क है फिजिकली भी काफ़ी दिक्कत आ रही थी पहले आपको हाँ फिजिकल काफ़ी होता है मेरा मन घबराता था ऐसे मुझे काफ़ी मन मेरा बड़ा घबराता था और इसकी आती उल्टी आने का मन करता था अब ऐसा नहीं है फिजिकली फिट है हाँ फिजिकल और भी बहुत स्वेलिंग वगैरह भी थी पहले आपको और स्वेलिंग भी थी पहले वो भी मेरी काफ़ी ठीक हुई बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छे रिजल्ट नज़र आए राकेश शर्मा जी क्रिएटिन 9 3.94 के आसपास था 3.5 और अभी जो इनका क्रिएटिन 9 है लेटेस्ट आप देख सकते हैं 2.5 के आसपास आ चुका है पहले से रिड्यूस हुआ है डॉक्टर लाल पैथलैब की रिपोर्ट है किस प्रकार से क्रिएटिन 9 रिड्यूस हुआ आप देखते हैं फिजिकली बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं फिजिकल लेवल पर रिजल्ट आने का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी जो है वो रिकवर करना शुरू कर रही है सिम्टम्स आपके सबसाइड होना शुरू हुए और जब आप एलोपैथी में ट्रीटमेंट करा रहे थे तब तो ये सारी चीज़ें आपकी बढ़ती चली जा रही थी अपवर्ड ट्रेंड में चल रही थी आप ग्रेजुअली क्रिएटिनिन बढ़ रहा था उसमें क्या बताया था एलोपैथी डॉक्टर्स ने उन्होंने पहले मैं जम्मू से लाई करवाया था जम्मू में काफ़ी बढ़ गया था लुधियाने में आया था वो उन्होंने कहा कंट्रोल हुआ वहाँ से पहले कंट्रोल हुआ फिर आके यहाँ पर आया और फर्दर कंट्रोल हुआ वैसे मैंने घबराता था जैसे मेरा कहता था कि ये आपका जो कावा है तो वो मुझे काफ़ी फायदा दिया उसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स इनको नज़र आए हैं एंड टोटली डायलिसिस से बाहर हैं बढ़ते हुए क्रिएटिनिन को न केवल रुक गया है बल्कि रिवर्स होना भी शुरू हुआ है कम होना भी शुरू हुआ है सिम्टम्स टोटली सबसाइड हो चुके हैं ऐसे बहुत से पेशेंट हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं राकेश शर्मा जी की तरह जिनको पहले बहुत तरह की समस्याएं थी और सभी समस्याओं से उनको आराम मिलने जाते स्टॉप किडनी डायलिसिस तो देखा आपने कैसे कर्मा आयुर्वेदा आज विश्व भर को किडनी की बीमारी से उभरने में मदद कर रहा है और कैसे डायलिसिस और ट्रांसप्लांट जैसे टेम्पररी सॉल्यूशंस को बेअसर साबित कर रहा है कर्मा आयुर्वेदा का पता और हेल्पलाइन नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है किसी भी जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स की राय भी ले सकते हैं आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें मिलेंगे कल शाम ठीक 6 बजे और बात करेंगे सिट्रिक फ्रूट्स के बारे में अगर वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल या सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं ऐसी वीडियो लेकर हम जल्दी फिर हाजिर होंगे फिलहाल के लिए इतना ही धन्यवाद हमारा पता है G20 NDM1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034 हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050 011-4264-4274 हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं